नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका और अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, घंटे बजा दीजिए। अगर दोस्तों आपको हमारे वीडियोस की श्रृंखला पसंद आ रही है तो इसी तरह हमको प्यार देते रहिए और हमें सब्सक्राइब करे रखिए। हम ढेर सारी वीडियोस कानून से जानकारी भरे आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। इन वीडियोस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपसे बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर आप आपसी सहमति से तलाक ले रहे हैं तो वो टाइम पीरियड क्या होगा और क्या प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताता हूं कि धारा 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत ये प्रावधान अवेलेबल है कि तलाक लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दो तरीके से तलाक लिया जा सकता है, पहला कॉन्टेस्टेड डिवोर्स, दूसरा म्यूचुअल डिवोर्स। अगर कॉन्टेस्टेड डिवोर्स यानी कि ऐसा डिवोर्स जिसमें पति या पत्नी दोनों में से एक तलाक देने के लिए राजी नहीं है तो भी आप कोर्ट की शरण में ले सकते हैं। इसमें मिनिमम 2 साल का टाइम पीरियड आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। लेकिन वही बात अगर हम म्यूचुअल डिवोर्स के बारे में कर रहे हैं तो मिनिमम 1 साल आपको रुकना पड़ेगा शादी के, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। एक सरल तरीका, आसान तरीका है म्यूचुअल डिवोर्स। अब जाहिर सी बात है, अगर शादी हुई है तो थोड़े से डिस्प्यूट तो खड़े होंगे। अब ये डिस्प्यूट है किसी भी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कंपैटिबिलिटी इश्यूज हों, टेम्परल इश्यूज हों, या कोई भी रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक रीज़न, जिसकी वजह से पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है। तो यह प्रावधान धारा 13B में अवेलेबल है कि आइदर ऑफ द स्पाउस, पति या पत्नी दोनों में से कोई भी तलाक की शरण ले सकता है म्यूचुअल तरीके से। बस इसमें जैसे नाम से ही सुझा रहा है, म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति। आपसी सहमति से एक कंसेंट टर्म, जिसे हम सेटलमेंट एग्रीमेंट भी बोलते हैं, ये दोनों बनाकर कुछ टर्म्स और कंडीशंस इसमें लिखी जाती हैं। वो टर्म्स और कंडीशंस क्या होती हैं वो मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस एग्रीमेंट को बना के हस्बैंड वाइफ इस पे सिग्नेचर करके कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और अपनी शर्तें कोर्ट के समक्ष रख सकते हैं। अब ये शर्तें जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की होती हैं, ये क्या होती हैं जो सेटलमेंट टर्म्स में लिखी जाती हैं, ये एक सरल भाषा में एग्जांपल देते हुए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये जो सेटलमेंट एग्रीमेंट बनता है, ये बेसिकली कुछ छोटी मोटी चीज़ें इन्वॉल्व करता है, जैसे कि मैरिज राइट्स के बारे में बताता है कि ये तलाक होने के बाद भी हस्बैंड या वाइफ दोनों स्वतंत्र हैं कहीं और शादी करने के लिए। इसमें चाइल्ड कस्टडी राइट्स को लेकर बात होती है कि मान लीजिए बच्चा है तो उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, माँ के पास या पिता के पास। इसमें विजिटिंग राइट्स भी रहते हैं कि सपोज बच्चा माँ के पास है तो पिता के क्या विजिटिंग राइट्स रहेंगे बच्चे से मिलने के लिए, अगर पिता के पास है तो माँ के क्या राइट्स रहेंगे बच्चे से मिलने के लिए। उसके बाद इसमें मनी को लेके, पैसे को लेके, अगर कुछ सेटलमेंट अमाउंट है तो वो रिटर्न ऑफ स्त्रीधन है तो वो स्त्रीधन कितना हुआ था, दहेज में जो पैसा मिला था या शादी में जो खर्चा हुआ था वो लौटा रहे हैं, या एक एलिमनी फिक्स अमाउंट है कितना दे रहे हैं जिसके लेकर ये शादी खत्म हो रही है। जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, क्योंकि ये आमतौर का नॉर्मल कानून है कि अगर कोई संपत्ति है जो जिसमें पति का हक है तो उसमें बराबर से पत्नी का भी हक होगा, तो उन प्रॉपर्टीज पे तलाक होने के बाद क्या क्या हक होगा वो, और ऐसे मिशलिनियस बहुत सारे पॉइंट्स इसमें लिखे रहते हैं। अगर मान लीजिए पत्नी ने पति के ऊपर कुछ केस कर रखे हैं या पति ने पत्नी के ऊपर भी कुछ केस रखे हैं तो इस आपसी समझौते के एग्रीमेंट के द्वारा उसको भी खत्म किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। अब इसमें सबसे याद रखने वाली बात दोस्तों ये है कि जब ये म्यूचुअल एग्रीमेंट तैयार होता है और कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होता है तो इसमें जिस दोनों स्पाउस में से किसी एक, दोनों में से किसी के पास भी ये पावर है कि अगर वो चाहे तो इसको अलॉट होने के पहले या म्यूचुअल डिग्री पास होने के पहले आप इसको वापस ले सकते हैं और इसे कॉन्टेस्टेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा जाता है पति पत्नी राजी हो जाते हैं कि म्यूचुअल कंसेंट से तलाक ले लेते हैं, लेकिन कंसेंट में जो टर्म्स बनते हैं उसमें किसी चीज़ को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, चाहे अब वो कस्टडी हो, बच्चे को लेकर हो, या पैसे को लेकर हो, संपत्ति को लेकर हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपने निर्णय ले लिया है म्यूचुअल डिवोर्स का तो आपको म्यूचुअल डिवोर्स ही लेना पड़ेगा, आप इसको बीच में कॉन्टेस्टेड में भी चेंज कर सकते हैं और ये एग्रीमेंट अपना वापस ले सकते हैं। अब म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन है, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट ये रहता है कि दोनों शांतिपूर्वक, दोनों पति पत्नी अलग अलग हो जाए, क्योंकि बच्चे अगर हैं तो उन बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े। अब इस म्यूचुअल डिवोर्स एग्रीमेंट के साथ हम एक एफिडेविट भी फाइल करते हैं। इस एफिडेविट को फाइल करने का तात्पर्य, इस उद्देश्य ये रहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमने, जो एग्रीमेंट में हमने पॉइंट्स लिखे हैं और जो दस्तावेज कोर्ट के समक्ष हमने प्रस्तुत किए हैं वो तथ्य हमने गलत नहीं बताए हैं या छुपाए नहीं हैं। क्योंकि अगर ये पाया जाता है कि वो तथ्य या वो पॉइंट्स गलत है तो आपके ऊपर गलत केस, कोर्ट में गलत जानकारी देने के लिए भी केस फाइल किया जा सकता है। अब ये ड्यूरेशन क्या होता है म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स का, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले
तीन स्टेप में होता है ये। पहला स्टेप जो रहता है उसमें ये पिटीशन ड्राफ्ट होती है, म्यूचुअल कंसेंट टर्म एग्रीमेंट ड्राफ्ट होता है पूरा, और ड्राफ्ट करने के बाद कोर्ट के समक्ष ये प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे जाते हैं। सेकंड स्टेप में हस्बैंड एंड वाइफ को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है, अपने स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि ये बिना किसी दबाव के अपनी स्वतंत्र सहमति से इन्होंने ये एग्रीमेंट तैयार किया है और ये दोनों म्यूचुअली अलग अलग होना चाहते हैं और जो एग्रीमेंट में टर्म्स और कंडीशंस लिखाई हैं उसको वो दोनों मानते हैं। उसके बाद जब ये वो कोर्ट के समक्ष अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा देते हैं उसके बाद इनको 6 महीने का टाइम दिया जाता है जिसे हम कूलिंग पीरियड भी कहते हैं। जी हाँ, कूलिंग पीरियड जब 6 महीने का टाइम ख़त्म होता है तो कोर्ट उसके बाद थर्ड स्टेप में तलाक की डिक्री म्यूचुअल ग्राउंड्स पे ग्रांट कर देता है और इस तरह से आप दोनों का डिवोर्स अलग हो जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखने वाली है वो यह है कि अगर 6 महीने के अंदर मन बदलता है तो हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई एक जन इस तलाक के एग्रीमेंट से मुकर भी सकता है और अपना केस वापस ले सकता है और कॉन्टेस्टेड डिवोर्स की तरफ भी जाता है। तब ये म्यूचुअल डिवोर्स केस है, ये खत्म हो जाएगा और आपका केस कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी प्रक्रिया ड्यूरेशन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की। कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। मैं शांतनु।